स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इससे पहले हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बता चुके हैं, ये है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, उसमें क्या था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि उसमें हर साल है ना एक ही डेप्रिसिएशन होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 लाख मशीन का वैल्यू है, उसे 10% यदि आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो पर ईयर उसमें 1 लाख का 10% 10,000 ही लेस होता है ना, 10,000 ही डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यहाँ पे क्या होता है, जो इसका वैल्यू जो बच जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5,000 का मशीन है ना, यहाँ पे देखिए 5,000 का मशीन है। अब ये 5,000 का मशीन है तो 10% इसका निकालेंगे, पहला 500, तो लेस होकर के कितना बचेगा 4,500, फिर नेक्स्ट साल का फिर 4,500 का 10% यानी 450 घटेगा। तो इसी तरह ये डिमिनिशिंग बैलेंस बनता है, ठीक है। तो अभी हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हम पहले बता चुके थे स्ट्रेट लाइन मेथड में, यहाँ पर आपको हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बताने वाले हैं। तो ठीक है, तो देख रहे हैं कि आज सबसे पहले लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, इसी तरह फॉर्मेट है। यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, डेट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर। फिर देखिए ये है अमाउंट का कॉलम, फिर देखिए यहाँ पे ये भी डेट का कॉलम है, और ये देखिए यहाँ पे भी पर्टिकुलर लिखेंगे है ना, ये भी पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब यहाँ देखिए ये मशीन का अकाउंट खोले है ना, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, यही क्वेश्चन हम बता चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। यहाँ पे 10% दिया हुआ है जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बनाना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे, ये देखिए 2012-13 से लेकर 14-15 तक, तो यहाँ पर लिखेंगे 2012 के लिए है ना, 1 अप्रैल, अप्रैल मतलब 4 होता है। फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना 5,000, यहाँ 5,000 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 5,000 लिख दिए यहाँ पर है ना, यहाँ पे देखिए लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ये होगा यहाँ पे 2013 31 मार्च, 31 मार्च 2013 का है। अब ये देखिए 31 मार्च 2013 का है, यहाँ पे 10% दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन का चार्ज कितना है तो 10% है ना। अब 10% निकालिएगा 5,000 का तो कितना होगा, 500 होगा ना, 500 लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए इसको टोटल करेंगे तो एक ही आइटम है ना, तो टोटल वही होगा 5,000, यहाँ पे 5,000 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5,000 लिख देंगे, यहाँ पे भी 5,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेस होगा, यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी कितना, 5,000 में 500 जाएगा तो 4,500, ये 4,500 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 4,500। अब देखिए ये डेट यहाँ पर लिखना होगा, ये 2013 31 मार्च का था, ये 2013 ही होगा लेकिन 1 अप्रैल का होगा, ठीक। अब देखिए ये टू बैलेंस बी डी लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, फिर इसको ऐड कर दीजिए तो आएगा 4,500 है ना, यहाँ पर भी लिख दीजिए, ये 4,500 हो गया 4,500। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन है ना, ये डेट कितना रहेगा 2014 और ये 31 मार्च। अब देखिए इस मशीन का जो वैल्यू है 4,500 यहाँ पर था ना, अभी 4,500 का 10% निकालिएगा, तो 10% निकालने का जो बेस्ट तरीका यहाँ पे क्या है, 10% में 1 जीरो कैंसल है ना, तो 4,500 का 10% कितना होगा, 450, ये 450 लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पर 4,450 में 450 घटेगा, यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, अब 4,500 में 450 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, 4,050 है ना, अब ये 4,050 आया। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे 2014, यहाँ लिखेंगे 2014 कब का है, 1 अप्रैल का है, टू बैलेंस डी डी है ना, कितना, तो 4,050, 4,050 लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी 4,050 लिख देंगे, और यहाँ पर भी 4,050 लिख देंगे, ठीक है। देखिए कितना आसान है, कुछ तो टफ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें जो बना रहे थे उसमें भी इसी तरह है। अब यहाँ पर देखिए ये होगा क्या, यहाँ पे 2015 होगा और ये 31 मार्च 31 दिन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन देखिए 4,050 का 10%, इसका जो वैल्यू अभी बचा कितना, इसका ओरिजिनल, अब यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना बचा इसका,
तो 4050 बचा ना ये वाला जो यहाँ पर लिखे, ये इसी का 10% निकालिएगा तो हो जाएगा 405, है ना। अब जो मशीन का वैल्यू अब कितना रहा बाय बैलेंस सीडी करेंगे, अब यहाँ पर दिखेंगे 3645 इस मशीन का वैल्यू हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखिए 3645 में से ये 3645 इसका अभी मतलब कि 31/3/2015 के लिए, है ना। अब ये 2015 1 अप्रैल के लिए इसका वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और कितना 3645 इसका। अब नेक्स्ट और यदि हमको प्रिपेयर करना रहता इसका एसेट्स अकाउंट मतलब कि मशीनरी अकाउंट, तो फिर यहाँ पर 3645 फिर जाते 10%, लेकिन यहाँ पर 3 साल का ही क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे देखिए 3 साल का लिखा हुआ है ना, इसलिए 3 साल का ही हम बनाए। आई होप ये क्लियर हो गया ये मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने बनाते हैं बस। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अभी हम डेप्रिसिएशन का जितना भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का पेपर में होगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके बता रहे हैं आपको, और ये सब क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखें और अच्छा से समझें और खुद इस क्वेश्चन को बनाएं बनाने का प्रयास करें और मेरा वीडियो को देखें। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत ही सरल तरीका से समझाएं। तो देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो कि 1 अप्रैल 2012 का एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन 12 लाख ऑन अक्टूबर 1 1 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन खरीद करता है, यहाँ देखिए अ पार्ट ऑफ द मशीन परचेज 1 अप्रैल 2012 फॉर 80,000 वाज सोल्ड 45,000 एंड न्यू मशीन एट कॉस्ट ऑफ 1,58,000 वाज परचेज एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। द कंपनी हैज अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट, इस क्वेश्चन से पहले हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, ऑन 1 अप्रैल 2012 एक कंपनी लिमिटेड परचेज अ मशीन 80,000, एक 80,000 में एक कंपनी जो है वो मशीन परचेज किया, ऑन 1 10 2013 को एडिशनल वर्क मेड टू द अमाउंट ऑफ 40,000 का एक और मशीन खरीदा, फिर देखिए 30/6 मशीनरी परचेज 1 10 13 को मतलब 30/6/14 को मशीनरी को जो परचेज किया था 1 अक्टूबर 2013 को उसको 12,000 का उसे सोल्ड कर दिया 11,000 में, है ना। तो 30/9/2014 मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2012 कॉस्टिंग 32,000 वाज सोल्ड 26,700 ऑन 1 जनवरी 2015 एडिशनल वर्क मेड टू द अमाउंट 20,000 अधिक डिमोलिशन वाज प्रोवाइडेड एट 10% पीए ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 10% पीए किसका, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना। इस ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ जो होगा यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 1 अप्रैल 2012 को मशीन परचेज किया था, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2012, यहाँ पे देखिए 2012 ये 1 अप्रैल का है तो लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक कितना, तो ये 80,000 का मशीन है ना, यहाँ पे देखिए ये 80,000, यहाँ पे लिख ये 80,000 लिख देंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2012 को और कोई मशीन परचेज किया क्या, वो देखना होता है, तो यहाँ पर देखिए नहीं किया हुआ है ना, 2013 को कर, तो इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे ये 2000 यहाँ पर लिख देंगे 13, 31 मार्च, है ना, 31 मार्च 2013 के लिए बाय डेप्रिसिएशन। अब देखिए इसको यहीं पर बंद कर दीजिए, ये 80,000 हो गया, है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये 80,000 यहाँ पर बंद कर देंगे, इसको क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 80,000, अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन इसको आपको निकालना है 10%, तो 10% डेप्रिसिएशन देखिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च यानी कि पूरा 1 साल,
अब 1 साल का निकालना आपको, यानी कि 10% आप निकालिएगा 80,000 का, तो 8,000 निकलेगा। यही 8,000 यहाँ पे लिख दें, है ना, ये 8,000 निकल गया। अब देखिए 8,000 यहाँ पर लेस होगा इसमें से, तो हो जाएगा बाय बायलेंस सीडी, है ना। अब यहाँ पर देखिए 80,000 में 8,000 जाएगा तो 72,000। अब यहाँ पर देखिए कि ये 72,000 बचा, तो ये डेट सेम वही है 31 मार्च 2013 के लिए। अब यहाँ पर देखिए टूल, यहाँ पर देखिए 2013 का होगा ये, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में कितना, तो वही चीज आपको 72,000 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखना है क्वेश्चन में कि 2013 में कोई और मशीन परचेज किए हैं क्या पूरा साल के लिए, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2013 में एक मशीन परचेज किए हैं, कौन मशीन परचेज किए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल 1 अक्टूबर 2013 में एक मशीन जो है वो 40,000 का है ना। तो 40,000 का मशीन परचेज किए हैं कब, 1 अक्टूबर, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर लिख दिए। टू में लिख देना है आपको बैंक, है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एडिशनल मशीन एगो खरीदे है ना उसके लिए, तो कितना का है ये, 40,000 का है। अब ये 40,000 लिख दिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे दोनों को, ठीक, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो 1,12,000 आएगा, है ना, यहाँ पर भी 1,12,000। अब देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ये 2013 है, ये 2000 यहाँ पर 14 लिखेंगे और ये 31 मार्च, है ना, 31 मार्च लिखेंगे। अब देखिए फर्स्ट ये मशीन 72,000 है, तो 72,000 का जो आपको निकालना होगा यहाँ पर, अब दो मशीन आपका, एक मशीन मान लीजिए ये मशीन वन है ना, और ये एडिशनल में हम इसको मशीन टू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन ये मशीन वन और मशीन टू, है ना, ये दोनों को नाम दे दिए, एक वन एक टू। अब यहाँ पर देखिए आपको 72,000 का निकालना होगा कितना, तो 10%। अब देखिए 72,000 का 10% कितना होगा, 7200 होगा मशीन वन का पूरा साल के लिए, इसमें तो पूरा साल रहेगा। और देखिए यहाँ पर जो एडिशनल मशीन खरीदे वो 1 अक्टूबर को खरीदे, आपको यहाँ डेट देखना है ना, 1 अक्टूबर को, तो कितना साल रहा देखना है, कितना, 1 साल तो रहता नहीं है अक्टूबर से, देखिए 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, है ना, 6 महीना का। तो यहाँ पर 10% निकालिएगा, 40,000 का तो होगा 4,000, लेकिन आपको 4,000 निकालता पूरे साल के लिए, है ना, आपको निकालना है 6 महीना का, तो 6 महीना का कितना निकलेगा, 2,000। अब देखिए 2,000 कैसे निकला, अभी हम बताए कि 4,000 है, तो 4,000 का 10% निकालेंगे, 10 कैंसिल, है ना, 10 कैंसिल जाएगा, होगा कितना, 4,000, लेकिन ये 4,000 पूरे साल का निकाले, तो आपको 6 महीना का उसका आधा कर दीजिए, तो कितना होता है, 2,000। अब ये 2,000 आपका डेप्रिसिएशन निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 9,200 रुपया टोटल डेप्रिसिएशन हुआ अभी तक का, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो देखिए 1,12,000 में 9,200 लेस कर दीजिए, ठीक है। अब 9,200 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 1,02,800 बचेगा, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर आएगा 2013 के लिए, 2014 के लिए 1 अप्रैल यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी कितना, तो 1,02,800, है ना, 1,02,800 लिख दिए। अब देखिए ये 2014 में कोई मशीन परचेज किए हैं क्या, क्वेश्चन में हमको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 36/6/2014 मतलब जून खत्म हो गया, तब क्या किए आप, मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013, जो मशीन 1 अक्टूबर 2013 को परचेज किए, मतलब क्या ये मशीन, है ना, क्योंकि यही मशीन आप 1 अक्टूबर 2013 को परचेज किए, इस मशीन को क्या किया, इस मशीन का यहाँ पर, हाँ, जो ये मशीन का जो 12,000 है वाज सोल्ड 11,000। अब यही मशीन यानी कि 40,000 का मशीन था, उसमें से 12,000 का अलग, है ना, 40,000 में मान लीजिए अब मशीन जो खरीदे उसमें से कुछ उसी का कोई पार्ट है ना, उसका कुछ पार्ट जो 12,000 का था, उसका कॉस्टिंग कितना था, 12,000 था, उसको सोल्ड कितना में कर दिए, 11,000 में, है ना। तो वो आपको निकालना होगा,
ये कब का है? 30 जून का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे ये डेट कब है, यहाँ पर 2014 ही लिखेंगे अभी, क्योंकि जून का बात हो रहा है, तो 30/6 यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक, है ना। बाय बैंक में कितना? 11,000, 11,000 लिख दिए, है ना। 11,000 क्यों? क्योंकि 11,000 में बेचे हैं ना 30 तारीख को, यहाँ पर देखिए 11,000 में बेचे कितना, 30 जून को। सो 11,000 यहाँ पर लिख दिए कि हाँ बाय बैंक, ये क्या हुआ, तो ब्रैकेट में इसे समझने के लिए सॉल्ड लिख दिए कि इसको बेचे थे 11,000 में। अब देखिए यहाँ पर हो गया इसका, अब देखिए ये जो है वो था टोटल कितना, 12,000 का चीज था, तो 12,000 चीज का चीज था, उसमें डेप्रिसिएशन आपका कब, ये 12,000 का यहाँ पर 12,000 का था, इसमें भी आएगा, तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो ये 40,000 का आप निकाले थे टोटल कितना, 40,000 का जो निकाले 2,000 निकाले, तो टोटल 40,000 का यदि एक साल का निकालेंगे तो कितना होगा, 4,000, है ना। और यहाँ पर देखिए 30/6 को, यानी कि जून को ही, तो जून तक में इसका डेप्रिसिएशन निकाला जाए, तो कब तक, 31 मार्च से लेकर जून तक देखिए आप करके, तो कितना होता है, 31 मार्च को कम्प्लीट हुआ था यहाँ पर, यहाँ 1 अप्रैल से लेके जून, अप्रैल मई जून, है ना, 3 महीना का होता है, तो 3 महीना का आपको निकालना होगा, जो कि ये पूरा मशीन का दाम कितना है, देखिए 4,000 है, 40,000 का 10% 4,000 निकला, अब 4,000 को आपको निकालना होगा, हाँ एक मिनट, 4,000 का यहाँ पर 4,000 यहाँ उसमें से 200 चला गया, 2,000 यहाँ पर घट गया, है ना, देखिए यहाँ पे 12,000 का था मशीन, है ना, तो बोल रहा है कि 12,000 वाला को, 12,000 का मशीन था, उसको 11,000 में बेच दिया, ठीक है, 11,000 में बेच दिया। अब आपको देखना है, तो ये 12,000 का जो था, है ना, वो कब पर्च किए थे, तो पिछले ईयर, पिछले साल के लिए, जो कि आप 12,000 था 1 अक्टूबर 2013 के लिए, है ना, 1 अक्टूबर 2013 का आप ये मशीन आप बेचे हैं, 1 अक्टूबर 2013 वही का मशीन है, जो कि 30 जून में बेच रहे हैं इसको, है ना, इसको कब बेच रहे हैं, तो 30 जून में बेच रहे हैं, तो देखिए ये 12,000 है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको आप 11,000 में बेच रहे हैं, तो बोले कितना, 1,000 रुपया का भी डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें देखना है कि डेप्रिसिएशन कितना हुआ, कितना में इसको बेचना चाहिए, तो देखिए 12,000 का चीज था, तो फर्स्ट में उधर जो डेप्रिसिएशन हुआ, तो निकालिएगा इसका 10%, तो 1200 होता है, लेकिन उधर 6 महीना का ही निकालेंगे, तो 6 महीना का कितना होगा, इसका 1200 का आधा, यानी कि 600, है ना, 6 महीना का कितना हो जाएगा, 600, है ना, तो 12,000 में से 600 चला जाएगा, तो 11,400 होगा। अब देखिए 11,400, और यहाँ पर बेच रहे हैं कब, तो यहाँ पर 30/6 को, है ना, यानी कि 3 महीना का, तब 11,400 यहाँ पर हुआ, अब इसका आपको निकालना है 10%, तो 11,400 का 10% निकालिएगा, तो कितना आएगा, पहले 1140 होगा, तो ये पूरा एक साल का, लेकिन हमको 3 महीना का ही निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1140 × 3/12। अब यहाँ देखिए 303/12, तो कितना आता है, 285, तो ये 285 इसका डेप्रिसिएशन निकला, है ना, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए 285 डेप्रिसिएशन निकला, है ना, 285 डेप्रिसिएशन। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 30/9/2014 को मशीन परचेज जो किए थे 1 अप्रैल 2012 में, है ना, 32,000 का, उसको सोल्ड किए कितना, 26,700 में, यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए इसमें 285 रुपया हुआ ना, अब यहाँ पे देखिए इसका 285 जो हुआ वो क्या निकला, डेप्रिसिएशन, है ना, यहाँ पर तो 285 डेप्रिसिएशन तो लिख दिए, है ना, लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ,
1100 में फिर देखिए 285 लेस कर दीजिए, तो कितना होता है, 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1, यहाँ पर 3 में 2 गया 1, यानी कि इसका 11400 है ना, उसमें से 200, अब इसको 285 लेस किए तो 11115 आया, 11115 है, लेकिन आप बेचे कितना में, 11000 में, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, देखिए 115 रुपया का क्या हुआ, लॉस हुआ है ना, तो ये 115 जो है वो लॉस में हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस, बाय लॉस कितना, 115 रुपया, 100, ये आपको समझ में आ गया, 115 रुपया क्या हुआ, बाय लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मशीन जो है वो फिर से सोल्ड किए कितना, 26700 में, वो मशीन कितना का था, तो 32000 का था, 1 अप्रैल 2012 में जो परचेज किए थे, देखिए 1 अप्रैल 2012 में जो परचेज किए थे, यानी कि ये मशीन परचेज किए थे 80000 वाला है ना, उसका ही 32000 का मशीन जो 26700 में बेच दिया था, यहाँ पर लिखेंगे ये कब बेचा है, यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल 2012 को बेचा कब है, तो 1/1/2015 को बेचा है, और यहाँ पर अभी जो चल रहा है तो वो 31 मार्च 2015 तक रहेगा, यहाँ पर 1/1/2015 लिखेंगे, अब बाय बैंक यहाँ लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कितना, तो 26700 है ना, 26700, अब देखिए 26700 है, उसके बाद अभी यहाँ पे अब निकालना होगा इसमें कि 32000 का चीज था ना, उसको आप 26700 में बेचे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इसका डेप्रिसिएशन हुआ है, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अभी 1 अप्रैल 1 जनवरी 2015 को बेचे, यानी कि यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 9 महीना का, यहाँ पूरे साल का, यहाँ पूरे साल का, यहाँ पर 9 महीना का, ठीक है, वो डेप्रिसिएशन को भी हम लोग को लेस करना होगा। चलिए उधर अभी हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 32000 का है मशीन, यहाँ पर इसी में 1/1/2012 में, ठीक है, तो यहाँ पर 32000 का 10% यहाँ लेस होगा और 10% यहाँ लेस होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर इसको बनाते हैं, यहाँ पे देखिए ये 32000 है, इसका 10% 3200 लेस करिए तो कितना होगा, 10 में 2 गया 8, यहाँ पे 11 में 3 गया 8, 2, तो 1 साल में इतना गया है ना, फर्स्ट ईयर में इतना, सेकेंड ईयर में फिर इतना, 2880 रुपया कितना बचा, 10 में 8 गया 2, 17 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 में 8 गया 2, 17 में 8 गया 2, 9, इसको लेस कीजिएगा तो हो जाएगा 25920 है ना, अब देखिए ये 25920 इसका वैल्यू है ना, तो ये दूसरा साल के लिए, अब यहाँ पे देखिए इसका निकल, 1 साल इसका हुआ, 1 साल यहाँ पे हुआ इसका, अब यहाँ पर इसको बेच रहे कब में, 1 जनवरी 2015 में, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में, तो यहाँ पर 31 मार्च 2015 के तक रहता है 1 साल है ना, 31 मार्च के पहले यानी कितने महीना पहले, तो 9 महीना का निकालेंगे है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ 9 महीना निकालेंगे, 25920 का 10% निकालिएगा तो 2592 होगा है ना, अब ये 2592 का निकालना आपको 9 महीना का, यानी 9/12 तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ तक तो निकाल लिए 25920, अब ये 25920 है ना, अब यहाँ देखिए कब मशीन को बेच रहे हैं, फिर से क्वेश्चन को देखिए, तो मशीन को जो बेच रहे वो 30/9/2014 को है ना, ये डेट होगा यहाँ पर 30/9/14 होगा है ना, 30/9/14 को बेच रहे, तो यहाँ तक के लिए डेप्रिसिएशन जो होगा बाय डेप्रिसिएशन तो कितना होगा, यानी कि 6 महीना होता है गिन के देखिए, अप्रैल से यहाँ पर 6/12 करेंगे तो कितना आएगा, 1296 है ना, तो यहाँ 1296 आपको लिखना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1296,
छियानवे, ठीक है, ये 1296 लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब ये मशीन में से आपका इस मशीन में से 32,000 का तो बिक गया, लेकिन यहाँ पर 48,000 का मशीन अभी भी बचा हुआ है, 48,000 का यहाँ मशीन बचा हुआ है ना, यहाँ भी 48,000 का 10%, यहाँ भी 48,000 का मशीन जो डेप्रिसिएशन हुआ है यहाँ भी काटेंगे, उसके बाद यहाँ काटेंगे, है ना। उसके बाद देखिए ये मशीन जो है 40,000 का, 40,000 का मशीन था लेकिन इसको बेचे हम, इसका मशीन भी बिक गया 11,000 में, जो कि 12,000 का मशीन, इसमें 12,000 का मशीन यानी कि 18,000 का मशीन यहाँ भी बचा हुआ है ना। अब डेप्रिसिएशन नेक्स्ट जो निकालेंगे डेप्रिसिएशन, उसको हम अभी बता रहे हैं तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये 1296 हुआ ना डेप्रिसिएशन, यहाँ पर देखिए लेस करना होगा, ये 25,920 में से 1296 लेस कीजिए, तो 25,920 है उसमें से 1296 लेस करेंगे, 25,920 लेस 1296 तो कितना आएगा, 24,624 है ना, 24,624 आया, लेकिन मशीन को बेचे कितना में है, 26,700 में। अब 24,624 का मशीन है, आप इसको बेचे आज कितना, 26,700 में। देखिए 26,700 में से 24,624 को लेस करिएगा तो कितना होगा, तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, तो 2076 निकलता है जो कि प्रॉफिट है। इसको हमको यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे देखिए 2 में लिखेंगे, यहाँ पर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 में प्रॉफिट कितना, 2076 रुपया, ठीक है। अब देखिए 2076 रुपये यहाँ पर लिख दिया प्रॉफिट में। अब इसी डेट को एक और मशीन परचेज किया था 20,000 में, देखिए 1 जनवरी 2015 को 20,000 में मशीन खरीदा है, यहाँ पर लिख देंगे 1 जनवरी 2015 है ना, 1 जनवरी 2015, एक यहाँ 2 लिख देंगे बैंक कितना का, तो 20,000 का, यहाँ पर 20,000 लिख देंगे है ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आपको निकालना है एक और चीज, जो कि अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो 31 मार्च के लिए है ना, बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ पर डेप्रिसिएशन में देखिए कितना होगा, तो ये 1296 तो इसका निकला, मतलब इसमें जो बचा है 32,000 चल गया, इसमें 38,000 बचा उसका, और इसमें 38,000 का फिर निकालेंगे वहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए टोटल 80,000 था, उसमें से 32,000 का तो अभी हम मशीन को बेच दिया, 48,000 बचा। अब 48,000 का पहला साल के लिए यदि डिप्रेशन निकलता है तो यहाँ कितना निकलता है, 48,000 है तो पहला साल के लिए 4800 तो कितना होगा, यहाँ पे देखिए 200, यहाँ 7 में 4 गया 3, यहाँ पे 4, 43,200 ये फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर के लिए निकालिएगा तो 43,020 होगा ये सेकेंड ईयर में है ना, तो यहाँ पर 43,200 में 43,020 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 38,880 है ना। अब थर्ड, ये फर्स्ट साल का डेप्रिसिएशन था, ये सेकेंड साल का डेप्रिसिएशन, अब ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हम यहाँ निकालेंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, 3,888 है ना, 3,888, तो इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दीजिए कितना हुआ, 3,888 रुपया एक इसका डेप्रिसिएशन। अब फिर हमको डेप्रिसिएशन निकालना होगा किसका, तो देखिए यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन निकालना होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला इसका तो निकाल दिए है ना, इसका 1 साल का यहाँ निकाले, दूसरा साल का यहाँ निकाले, तीसरा साल का अभी अभी निकाले है ना, तीसरा साल का जो निकाले अभी अभी, यहाँ देखिए 40,000 का चीज था उसमें 12,000 का बिक गया, कितना बचा, 18,000 का बचा, जो कि यहाँ 3 महीना के लिए रहा था है ना, 3 महीना का रहा था ना, 1 अक्टूबर को आया था, 3 महीना का निकाले थे आप, तो यहाँ पर निकालेंगे अभी हम, नहीं 1 अक्टूबर से मतलब ये 6 महीना का निकाले थे, तो वहां पर 40,000 का निकालेंगे 12,000 लेस करके, देखिए यहाँ पे 40,000 है, 40,000 का मशीन था
उसमें 12,000 का मशीन तो बिक गया, बचा कितना? 18,000 का मशीन बचा, है ना। ये 28,000 का फर्स्ट साल के लिए डेप्रिसिएशन जो होगा वो 2,800 होगा। तो हाँ, तो ये 6 महीना का निकालना है यहाँ पर, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा? तो 1,400 होगा ना। देखिए, 2,800, 28,000 में से 1,400 लेस कर दीजिए तो कितना होगा? तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में निकाले 6 महीना का, तो 1,400 लेस किए तो कितना आया? 26,600 आया। अब सेकेंड में, मतलब अभी निकाले लास्ट ईयर का, तो 10% इसका निकालिएगा, 26,600 का, तो कितना? 2,660 रुपया हुआ। तो ये भी यहाँ पर इस मशीन का 2,660 रुपया भी एड हो जाएगा, ठीक है। अब ये एड हो गया। अब देखिए, लास्ट मशीन जो आप 20,000 का परचेज किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो लास्ट मशीन है, ये मशीन जो 20,000 को आप खरीदे कितना? 1 जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का होता है, उसका भी हम निकालेंगे और जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे, तो 20,000 का निकालिएगा 10%, तो 2,000 निकलेगा। और 3 महीना के लिए 3 बाय 12 करेंगे, 3 चौक 12, यहाँ से काटिएगा तो 500, यानी कि 500 यहाँ पर हुआ, है ना। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7,048, है ना। ये 7,048 जो डेप्रिसिएशन बचा था उसका निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, 7,048 निकला। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ी लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे डेप्रिसिएशन? तो 7,048, ठीक है। ये समझ में आ गया कि 7,048 कहाँ से आया। उसके बाद देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको टोटल इधर का जोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ टोटल इधर का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1,24,876, 1,24,876 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से यहाँ पे भी जोड़ेंगे, 1,00,000 इधर साइड में भी जोड़ना है आपको, तो कितना आएगा? 1,24,876, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि 1,24,000, यहाँ पर मान लीजिए इधर लिख देते हैं, तो कितना आया? 1,24,876। यहाँ पर भी लिख देंगे, वही वाला क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज में लिख दिए 876, उसमें से सबको लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबको लेस करेंगे, है ना, तो जो आएगा सो लिख देंगे। तो यहाँ पर सबको लेस किए तो कितना आया? तो 78,432 आया, है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे, ये 2015 के लिए, 1 अप्रैल के लिए, है ना, टू बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस सीडी कितना है? तो 78,432, है ना, ये फाइनली बना। अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारे कैलकुलेटिव है, लेकिन बहुत आसान सवाल है ना। आपको डेट पर ध्यान देना है कि डेट क्या है इसका, किस डेट पे परचेज कर रहे हैं, किस डेट पे इसको हम बेच रहे हैं, ठीक है। बस पर डेप्रिसिएशन कितना है, वही सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन बनाना कोई टफ नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे फाइनल बन गया इसका, 78,432 आया, है ना, राइट आंसर। तो देखिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन, है ना। आप इसे क्वेश्चन बना के देखें, हम सॉल्यूशन जितना भी इसका कैलकुलेशन था हम आपके सामने करके दिखा दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे डेप्रिसिएशन का। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल।